गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यानी सर्टेन टू हैपन मतलब निश्चित रूप से होता ही है, इम्पॉसिबल जो पॉसिबल नहीं है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तीन प्रोबेबिलिटी है तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, आज आप बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब जो कल बीत चुका उससे ओल्डर हो चुके हैं। तो यस, इट इज सर्टेन टू हैपन, क्योंकि आज आपकी उम्र एक दिन बढ़ गई है। तो आप कल से तो बड़े ही हुए हैं ना, एक साल बड़ा, एक दिन बड़े हुए हैं। तो ओल्डर यानि कल से आप आज ओल्डर हो चुके हैं, तो ये सर्टेन टू हैपन होगा, यानी ये निश्चित रूप से ऐसा होता ही है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अब अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हमेशा ऊपर की साइड हेड आएगा, हमेशा हेड आएगा। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूर तो नहीं कि हर बार में हेड ही आए, टेल भी तो आ सकता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हेड ही है। फिर थर्ड है, अ डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप। अगर आप डाइस देखेंगे, अगर आप लूडो खेलते हैं, जो आप खेलते हैं तो उसमें आप डाइस यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे जब आप उसको टॉस करेंगे, जब उसको आप फेंकेंगे तो ऊपर की साइड 8 आए टॉप पे, ऐसा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लूडो की जो डाई होती है, आप जो खेलते हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक ही नंबर होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है। इसलिए इसका क्या आएगा आंसर, इम्पॉसिबल, कि 8 ऊपर नहीं आएगा। फिर फोर्थ है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो, ये जरूरी तो नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो सकता है रेड हो, येलो हो, पर ग्रीन भी हो सकता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है, रेड और येलो भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो सेकेंड फिफ्थ है इसका, टुमोरो विल बी अ क्लाउडी डे। अब कल का तो हमको आज पता नहीं है, कल क्लाउडी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बादल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो जो चीज़ पॉसिबल हो भी सकती है पर इम्पॉसिबिलिटी भी होती है कि हो ना हो, जिसमें हमको आशंका रहती है उसमें हम कैन हैपन नॉट सर्टेन लगाते हैं, और जिसमें ऐसा हो कि ये हाँ निश्चित रूप से ऐसा ही है कि आज हम एक दिन बड़े हुए हैं तो हम ओल्डर हुए हैं, तो उसमें सर्टेन यानी निश्चित रूप से होगा, और जिसमें पॉसिबल ही नहीं है वो सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इसलिए हम इम्पॉसिबल लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में, देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स एंड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। यानी 6 मार्बल हैं एक बॉक्स में और हर एक के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर दिए हुए हैं। अब आपको पूछा जा रहा है कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। अगर आप मार्बल बॉक्स में से निकालते हैं कोई एक, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 नंबर वाला मार्बल निकलेगा। तो 2 नंबर वाले कितने मार्बल होंगे, अगर टोटल हमारे कितने मार्बल्स थे, 6, और 6 में से हर एक पे 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ था, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि 2 के निकलने के क्या चांस है। तो ये हो सकता है कि हमने जो निकाला वो 2 वाला हो, तो एक बार ही 2 निकलेगा, और टोटल मार्बल्स कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल कितने थे, 6 मार्बल थे, तो 6 में से कोई भी हो सकता है, तो टोटल आइटम आउटकम्स तो 6 हैं, और 2 के निकलने के चांसेस एक बार है, इसलिए प्रोबेबिलिटी मार्बल विथ नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। मतलब एक बार 2 निकल सकता है तो वो 1 टाइम, और टोटल 6 मार्बल थे तो 6, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में पी लिखा है, उसके ब्रैकेट में इवेंट लिखते हैं जिसके बारे में हम निकाल रहे हैं। तो हम मार्बल विथ नंबर 2 निकाल रहे थे, तो ये 1/6 आएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 5। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 5 के भी आने के चांसेस, एक बार 5 भी निकल सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6, क्योंकि 6 मार्बल थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मार्बल विथ नंबर 5 इज 1/6। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पूरे लेसन का, फिर इसके बाद आपको सारा लेसन कंप्लीट करके अच्छे से मुझे भेजना है। थर्ड है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट। दो टीम है,
अगर कॉइन को टॉस किया तो दोनों में से एक ही टीम खेलेगी, दोनों तो खेलेंगी नहीं, तो एक टीम विनर होगी और टोटल कितनी टीम, एक टीम गेम स्टार्ट करेगी और टोटल दो टीम थी, तो प्रोबेबिलिटी टीम स्टार्ट द गेम, प्रोबेबिलिटी की टीम स्टार्ट करेगी गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि दोनों में से एक होगी और टोटल टीम है दो, टोटल नीचे आता है और उसके चांसेस ऊपर आते हैं, तो 1/2 इसका आंसर होगा। तो ये थी एक्सरसाइज 3.4 पूरी जो आपको मैंने अभी समझाई, वो आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू।